सबसे पहले नजर स्पीड न्यूज की ओर। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आखिरी दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। सीएम शिवराज समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। इंदौर में पीएम के भव्य स्वागत, सीएम शिवराज ने किया जोरदार स्वागत। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम ने कहा, 2 साल बाद भव्यता के साथ हो रहा है सम्मेलन, सभी प्रवासियों का मैं स्वागत करता हूं, अपनों से आपने सामने मुलाकात का मिला मौका। पीएम ने कहा, प्रवासी भारतीयों ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की, सभी प्रवासी माटी को नमन करने आए हैं, प्रवासी सम्मेलन कई मामलों में खास है। पीएम ने इंदौर की तारीफ की और कहा, लोग कहते हैं इंदौर एक शहर है, इंदौर शहर नहीं एक दौर है, इंदौर लाजवाब है, स्वच्छता के साथ स्वाद की राजधानी है इंदौर। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले सीएम शिवराज, कहा दुनिया में भारत का डंका बजा, भारत दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर पीसीसी सचिव कमलनाथ ने दिया बयान, कहा कि इन्वेस्टर्स आए, निवेश आए का स्वागत करता हूं, लेकिन सम्मेलन करने से कुछ नहीं होता, निवेशकों में विश्वास बनाना भी जरूरी है। राजनांदगांव में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन, विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनाव पर अपनी रणनीति की चर्चा। दुर्ग में विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने ली बैठक, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी रहे मौजूद, अधिकारियों ने अपने काम की दी जानकारी, अधिकारियों को मिले दिशा निर्देश। भारत जोड़ो यात्रा के लिए एमपी के नेताओं को मिली जिम्मेदारी, कश्मीर में यात्रा को लेकर जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल को समन्वय की मिली जिम्मेदारी, AICC ने जारी किया आदेश। सरगुजा के दरिमा में के पास मां महामाया एयरपोर्ट का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया निरीक्षण, विधायक अपीतम राम समेत जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी रहे मौजूद, अंबिकापुर में हवाई सेवा की योजना है तैयार, मां महामाया एयरपोर्ट का काम तेजी से। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी निर्माण का मामला गरमाया, हाईकोर्ट ने नगर निगम से 7 दिनों में मांगा जवाब, पूर्व मंत्री राजेश मूरत ने लगाई थी याचिका, चौपाटी के विरोध में धरने पर बैठे हैं राजेश मूरत, राजेश मूरत ने कहा हमें अदालत पर पूरा भरोसा। इंदौर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पनामा के विदेश मंत्री से की मुलाकात, भारत और पनामा के बीच समझौता ज्ञापन किया गया आदान प्रदान। सीएम शिवराज ने प्रवासी भारतीयों से किया संवाद, सभी ने की एमपी में हुए कामों की तारीफ, बोले आप सिर्फ भारत के ही नहीं हम सब के मामा। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ पोस्टर वॉर, बीजेपी के पोस्टर से गायब हुए रमन सिंह, कांग्रेस ने भी चुटकी, हमारे सीएम का चेहरा तय है। पुरी में हादसे की शिकार ग्वालियर के तीर्थ यात्रियों की बस, सभी यात्री सुरक्षित, बीजेपी नेता संबित पात्रा ने यात्रियों से की मुलाकात, सीएम शिवराज ने मामले की दी जानकारी। बालोद के कुमारी माइंस क्षेत्र में तेंदुए से दहशत, माइंस कर्मचारी तेंदुए से सहमे, वन विभाग अलर्ट मोड पर। नारायणपुर में नक्सलियों के मनसूबे नाकाम, BDS टीम ने सर्चिंग के दौरान 2 IED बरामद किए, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था। पन्ना जिले के बुजुर्ग चौराहे पर भालू का अटैक, घायल बुजुर्ग को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज के लिए कटनी गया, किया गया रेफर। विदिशा में ग्राम बरखेड़ा कछुआ के एक खेत में मिला अजगर, ग्रामीणों ने दहशत देखने को मिली, वन विभाग के अधिकारियों ने अजगर का सफल रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर, दवा की जगह बेबस पिता, पिला रहा था शराब, घायल की खबर दिखाने पर BMO ने लिया संज्ञान, पीड़ित के घर पहुंचकर जाना हाल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घायल का मुफ्त में होगा पूरा इलाज, हादसे में कट गया था युवक का पैर। जगदलपुर में आधुनिक सुविधाओं से लैस हुआ मेडिकल कॉलेज, 105 नवजात बच्चों को मिला जीवनदान, SNCU वार्ड में भर्ती किए गए थे बच्चे, गंभीर बीमारी से ग्रसित थे नवजात बच्चे। दंतेवाड़ा में सर्व समाज के लोगों ने धर्मांतरण को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, नारायणपुर में हो रही घटना को लेकर सौंपा ज्ञापन, तहसीलदार कुआ कोंडा को सौंपा ज्ञापन।
सरगुजा में ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सरकार से अंडा दो अभियान के तहत आंगनबाड़ी के बच्चों और मिड डे मील में सभी को अंडे देने की मांग। महिला बाल विकास अधिकारी ने मांग पूरी होने का दिया आश्वासन। अनूपपुर में अधेड़ महिला की हत्या। रामनगर थाने के अंतर्गत आने वाले न्यू डोला गांव में वारदात। शांतिबाई नामक महिला की हत्या। पति की हो चुकी है मौत। अकेली रह रही थी महिला। रायपुर में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध कारोबार पर कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से करीब 200 सिलेंडर किए जब्त। लंबे समय से कालाबाजारी कर रहा था आरोपी। आजाद चौकी थाना क्षेत्र का मामला। धार में मोबाइल बना जैन का दुश्मन। बच्ची के हाथ में फटा मोबाइल। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया था। कोरबा में छुई खदान धसने से मलबे में दबी तीन महिलाएं। हादसे में एक महिला की मौत, दो की हालत गंभीर। ग्रामीणों ने मृतक सहित घायलों को निकाला बाहर। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। दुर्ग में देर रात में दो गुटों में हुई थी मारपीट। दो लोगों की हुई थी मौत। घटना का वीडियो आया सामने। पुलिस ने 17 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायसेन के सुल्तानपुर में धर्मांतरण का मामला आया सामने। चर्च नहीं जाने पर शख्स का तोड़ा हाथ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ने लिया संज्ञान। आरोपियों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। जोशीमठ को लेकर एक्शन में मोदी और धामी सरकार। आज जोशीमठ जाएगी एनडीएमए की टीम। जोशीमठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। कहा पहले मेंशनिंग लिस्ट में शामिल करें केस, फिर सुनवाई पर विचार। जोशीमठ में दरार पर पीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी ने ली हालात की जानकारी। कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। पहाड़ों पर बड़े निर्माण कार्यों पर लग सकती है रोक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जाएंगे जोशीमठ। देहरादून में जोशीमठ आपदा को लेकर बैठकें जारी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने सचिवालय में की बैठक। अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। पुंछ में दहशत फैलाने के मकसद से आतंकियों के मददगारों ने हिंदू परिवारों के घरों पर की पत्थरबाजी। घटना के बाद दहशत में आए लोग। घाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुंछ में हिंदुओं के घरों पर हुई पत्थरबाजी के बाद तुरंत एक्शन में आए सुरक्षा बलों के जवान। सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने रात में ही घेराबंदी की। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में टारगेट अटैक के बाद एक्शन में अमित शाह। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ की सुरक्षा और राजनीतिक हालात को लेकर बैठक। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा 2024 चुनाव तक नक्सलवाद से मुक्त होगा देश। हथियार उठाने वाले युवाओं को सरकार ने दिए रोजगार। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आमने सामने आई बीजेपी और आप। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा का 5वां दिन। छपरा में विकास कार्यों का सीएम ने लिया जायजा। जबरन धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की चिंता। सुनवाई के दौरान कहा इस मामले को ना दे राजनीतिक रंग। 7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के कंझावला कांड के रोहिणी कोर्ट का बड़ा फैसला। सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा 2024 में सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करना हमारा लक्ष्य। हमारे एक होने से बीजेपी घबराई हुई है। चीन ने एक साथ 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। इस साल का पहला स्पेस लॉन्च हुआ सफल। कतर में सरकारी ट्रक के पीछे भाग रहे लोग। राशन न मिलने पर मायूस लौट रहे। वीडियो हो रहा वायरल।